जी हमारे पास सुपर गोल्ड के नाम से फ्रिज है जो कि नो फ्रोस्ट है। इसके अंदर कूलिंग हमें चेक करना था, इसके अंदर कूलिंग की शिकायत है, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हमने ये टेम्परेचर मीटर लगाया, इसमें सेंसर के लगा जरिए इस काम कर रहा होता है देखने के लिए कि कूलिंग कितना इसके अंदर है कितना नहीं है। ये बिल्कुल ही कम बता रहा है, माइनस के बजाय प्लस पे शो कर रहा है इसके अंदर, यानी कि कूलिंग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कूलिंग है कि नहीं। यहाँ पे कूलिंग भी बिल्कुल शो नहीं कर रहा, सारी चीज़ें इसकी मेल्ट हो गए ना। ये इसमें चिकन रखा हुआ, चिकन भी बिल्कुल ही मेल्ट हो गया, सिर्फ नरम और ठंडा हुआ है। अब हम इसको चेक करेंगे कंप्रेसर के साइड पे। कंप्रेसर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और उनके हम जॉइंट चेक करेंगे, तमाम जॉइंट चेक करेंगे कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। एक जॉइंट में हमें ऑयल सा नज़र आ रहा है, हम अब इसको चेक करेंगे कि लीकेज भी है या ऐसे बता रहे हैं। तमाम जॉइंट चेक करने के होते हैं, कहीं से लीकेज शो तो नहीं हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, इसका कंडेंसर का जॉइंट इसका लीक हो रहा है, आपको ब्लू वही नज़र आ रहा है जहाँ बीच बना के हम उसको चेक कर रहे हैं। तो बाकी फ्रिज सही है, फ्रिज नो फ्रॉस्ट है। ये बेसिकली सेंसर के ज़रिए नहीं चल रहा था, इन्वर्टर होता है सेंसर में काम करता है, इसमें एक टाइमर लगा होता है, टाइमर इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ऑटो रिस्टार्ट वगैरह सब टाइमर के ज़रिए होता है, और इसके अंदर बायोमेटल फ्यूज़ वगैरह होते हैं। तो अभी हम इसको जहाँ जहाँ से लीकेज है वहाँ से जॉइंट लगा जो भी टाँका वगैरह लगा कर इसको सही कर देंगे, इसमें गैस वगैरह डाल के फिर से इंशाल्लाह इसको ओके कर देंगे। जहाँ से लीकेज है सबसे पहले इस जॉइंट को अच्छी तरीके से साफ करना है कि टाँका लगाते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छी तरह से साफ हो गया ये टांका बिल्कुल भी। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर मौजूद गैस को हवा में उड़ाना है ताकि टांका लगाते वक्त कोई हादसा पेश ना हो। ये इसकी पिन है, आप इससे आराम से इसके पिन निकाल सकते हैं। जहाँ से लीकेज है हमें वहाँ पर टांका लगाना है। यह कॉपर का जॉइंट है, हम इसको कॉपर की शोल्डिंग लगा रहे हैं ताकि मजबूती से लग जाए। अभी भी इसके लिए गैस का प्रेशर है, हमें थोड़ा वेट करना होगा। ये हमें टांका सही से लगाना है इसके अंदर ताकि लीकेज की कोई चांस ना हो इसके अंदर।
अभी हम इस पे गैस डाल के चेक कर लेंगे कि टाँका लीक तो नहीं रह गया। ये इसकी पिन है, हमें दोबारा से चार्ज करने लगाना है ताकि गैस फिलिंग करने के लिए ये बाद में आसानी से गैस को कंट्रोल कर सके। अच्छे से लगाना है। इसके बाद ये हमारी पिन वॉल है तो यहाँ पर कनेक्ट होगा। जहाँ जिसका जॉइंट लगाया था उसको दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई लीकेज वगैरह नहीं। हम उसको ऑन कर देंगे फ्रिज को और उसमें गैस फिल करेंगे। हमने गैस ऑन कर दिया, इसमें फ्रिज को ऑन कर दिया, इसमें गैस फील हो रही है। इसको हमने रखना है कम से कम 5 के प्रेशर में के चलाना है ताकि और गैस भी ना हो और कम भी ना हो। साथ में आप डिस्चार्ज भी चेक कर सकते हो। कंप्रेसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। गैस का प्रेशर कितना आ रहा है इसके अंदर, बस ठीक है। अब इसको हमने चलाने,